नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी सक्सेस पॉइंट में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम देखने वाले हैं मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर देखना है तो उन सबकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पर भी दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, और ये है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो जो चाहे आप कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल असल में क्या था। देखो बच्चों, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वहां पर ढेर सारे साइंटिस्ट थे जो कि प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है। तभी क्या हुआ, रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलियव्स, इन्होंने क्या किया, 1869 को अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया। अब यहां पर उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया उसे यहां पर हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो डोबेरेनर थे, जो न्यूलैंड से, इन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, ये डिपेंड होती है उसके एटॉमिक मास के आधार पर, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से मेंडेलियव्स ने भी कुछ इसी तरीके से कहा। देखो, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग तरीका अपनाया जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। देखो, मेंडेलियव्स ने क्या किया, जो सारे एलिमेंट थे ना उन्हें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने अरेंज किया, यानी सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर उन्होंने अरेंज किया, यानी जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले, ज्यादा होगा बाद में, उससे ज्यादा होगा वो बाद में, इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। फिर उन्होंने वहां पर नोट किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, ठीक है, वो क्या होती है, पीरियोडिक ट्रेंड्स होती है, मतलब वो क्या करती है, रिपीट करती है। आफ्टर द सम प्लेसेस इट विल रिपीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, ये तो रिपीट करती है, उन्होंने ये देखा। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने ग्रुप बनाए अलग अलग एलिमेंट के, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया। यानी डोबेरेनर ने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो न्यूलैंड ने क्या किया, आठ आठ एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि जिन भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उन सब एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। और एलिमेंट अगर दूसरा होगा और दूसरे एलिमेंट अगर उसके जैसे हो गए प्रॉपर्टी में तो उसके नीचे रख दिया, कुछ इस तरीके से उन्होंने वहां पर अरेंज किया। यहां पर आप देख सकते हो, देखो उन्होंने देखा कि वहां पर उन्होंने क्या किया, ये लिथियम लिया, देखा कि उन्होंने लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी है, पोटेशियम जैसी है, तो उन्होंने सारे चीजों को एक ही ग्रुप में रख दिया। फिर यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरीके से किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, सारे एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप में यहाँ पर अरेंज किया, ठीक है। अब देखो, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है, इन्हें ग्रुप कहते हैं, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं इन्हें कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं रो, इन्हें क्या कहते हैं, रो। तो यहां पर देखो कितने ग्रुप्स हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, यहां पर आठ ग्रुप उन्होंने बनाए। उन्होंने देखा कि देखो यहां पर आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, तो उन्होंने एक ही जगह पर रख दी। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया, यानी लगभग 63 एलिमेंट वहां पर नोन थे, तो उन सबको उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से वहां पर अरेंज किया। लेकिन सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन यही था। अब देखो इसके मेरिट्स क्या थे, फायदे क्या थे इस क्लासिफिकेशन के, जो इन्होंने किया था। देखो अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, टू गिव द प्रॉपर प्लेस टू द एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। अगर किसी भी एलिमेंट को अगर प्रॉपर प्लेस देना है एलिमेंट को, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हो सकता है कभी कभी वो गलत भी हो, एटॉमिक मास कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो तो अलग आ रही है और उसका जो एटॉमिक मास है वो तो अलग है। तो उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट को रिवाइज किया,
उसकी स्टडी की, फर्दर स्टडी की, और उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ यार इसका जो एटॉमिक मास है वो तो गलत है। बाद में उन्होंने उसे करेक्ट किया, यानी जो एटॉमिक मास थे ना उसे उन्होंने रिवाइज किया। यानी बेरिलियम का जो पहले एटॉमिक मास था वो था 14.09, बाद में उसे उन्होंने बदल कर 9.4 कर दिया और उसे बोरॉन से पहले रख दिया। अब बोरॉन का एटॉमिक मास था 11, ठीक है। अगर बेरिलियम का अगर एटॉमिक मास पहले वाला था 14.09 तो बेरिलियम कहाँ पर आता? बोरॉन के बाद आता, लेकिन उसका मास चेंज हो गया है 9.4, तो इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा? बोरॉन से पहले आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक रिवाइज किया सारे एटॉमिक मासेस को। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक रिवाइज था जो कि आने वाले पीरियोडिक टेबल में ये यूज होने वाला था, ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया कि जो अपना पीरियोडिक टेबल था वहां पर कुछ वैकेंट प्लेसेस भी उन्होंने रख दी, खाली जगह उन्होंने रख दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए वहां पर जगह होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए अगर कुछ एलिमेंट अगर मिल जाते हैं तो उन्हें कहां पर रखेंगे? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को वहां पर उन्होंने जगह छोड़ दी और उस जगह को उन्होंने नाम भी दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। इसका मतलब क्या है कि जो इका एल्यूमिनियम है तो इस प्लेस पर जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगा ना वो बोरॉन के साथ मैच करेगी। यहाँ पर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा इन फ्यूचर उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगी, और यहाँ पर होगी वो सिलिकॉन के साथ मैच करेगी। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर कुछ वैकेंट प्लेसेस भी रख दिए। अब देखो, अब उन्हें पता था, देखो उनका जो पीरियोडिक टेबल था वहां पर नोबेल गैसेस के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था, यानी नोबेल गैसेस को हम कहाँ पर रखेंगे? तो उन्होंने क्या किया, जो उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसे बिल्कुल भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया और एक नया ग्रुप बनाया, हेलो नोबेल गैसेस के लिए एक नया ग्रुप बनाया। तो ये भी एक बड़ा मेरिट्स था। अब उसके बाद डीमेरिट्स क्या थे? तो देखो बच्चों, डीमेरिट्स क्या थे, देखो जो होल नंबर होता है एटॉमिक मास का होल नंबर, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल की जो होल नंबर है वो सेम है, लगभग आई थिंक 59 है, इसका भी 59 है और इसका भी 59 है। सो दोनों का एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, होल एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, सॉरी एटॉमिक मास नॉट अ नंबर, एटॉमिक मास अगर सेम होगा तो एम्बिग्युटी प्रोड्यूस होगी ना वहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें कहां पर रखना है, दोनों एलिमेंट को कहां पर रखना है, कोबाल्ट को पहले रखना है या फिर निकेल को पहले रखना है, ये उन्हें पता नहीं था, ठीक है। तो उनके सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी वहां पर एम्बिग्युटी थी, ठीक है, तो ये डीमेरिट्स था। उसके बाद देखो बच्चों आइसोटोप्स आए, लॉन्ग टाइम अपर द मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है, अपर द लॉन्ग टाइम। सो देखो जो आइसोटोप्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट इनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, समझ में आ रहा है? आइसोटोप क्या होते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इनके बारे में, यानी आइसोटोप यहाँ पर कहाँ पर रखने हैं, ठीक है, कहाँ पर इन्हें रखना, ये बड़ा चैलेंज था उनके सामने। तो ये भी एक बड़ा डिमेरिट था कि यहाँ पर हम आइसोटोप को पुट नहीं कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, यानी जो एटॉमिक मासेस के आधार पर हमने जो एलिमेंट को वहां पर अरेंज किया था बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर तो वो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यूनिफॉर्म हो गया ना। तो यहाँ पर क्या था, 6 उसके बाद 8 हो सकता है, यहाँ पर 15 उसके बाद 30 इस तरीके से, यानी अलग अलग गैप आ रहे थे दो एलिमेंट के बीच में, ये यूनिफॉर्म नहीं था। तो दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी पता नहीं था कि दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड होगी इन फ्यूचर, ये भी इनको पता नहीं था। तो ये भी एक बड़ा डिमिट्स यहाँ पर था। उसके बाद था कन्फ्यूजन इन द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कहाँ पर रखना है, मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन क्या करता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है हेलोजन के साथ, ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं हमारे अल्कली मेटल के साथ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेंडेलिस के सामने कि इसे कहाँ पर रखना है। अब देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन होता है ना
उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हैलोजन जैसा होता है, ठीक है, और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये अल्कली मेटल जैसी होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को किसके साथ रखना है, अल्कली मेटल के साथ रखना है या फिर हेलोजन के साथ रखना है, ये इन्हें पता नहीं था, ठीक है। यानी जो हेलोजन आते हैं वो ग्रुप साथ में आते हैं, ठीक है, और जो अल्कली मेटल आते हैं वो ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, तो किसके साथ रखना ये इन्हें पता नहीं था। ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन था, तो ये भी एक बड़ा डीमेरिट्स बन गया। तो ये 3-4 डीमेरिट्स आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके सो बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, किस तरीके था, यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो किसके बेसिस पर थी, एटॉमिक मासेस के या फिर एटॉमिक नंबर के, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले सेशन में डिस्क्राइब करूंगा, आपको इसके बारे में सारी चीजें बता दूंगा। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपने अगर हमारे सेशन को अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू जॉइन दिस सेशन। गुड बाय।